ओके नमस्ते आप काल संकल्प कांस्टिया सो श्योर शॉट आपने अगर SCPM का देखा है तो आपको पता है कि 50, 60, 70, 80 मार्क का वहां से आ रहा है तो वो चीज एम में अब लाने का टाइम आ गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे एंड जो यूज आप लोग ऑप्शन में छोड़ देते हो या कहीं ना कहीं आप लोग को वो कॉन्सेप्ट भारी पड़ता है राइट तो चलो आज करने वाले अपन लोग फॉरेक्स का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है करेंसी फ्यूचर्स भाई देख लो एक बात क्लियर रखो कि फॉरेक्स एकदम क्लियर होना चाहिए अगर आपका फॉरेक्स क्लियर नहीं है देन इन दैट केस आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ईच वन ऑफ यू मेरा खाली फॉरेक्स का भी लेक्चर्स अवेलेबल है बट प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ना यू कैन विजिट माई वेबसाइट वेबूके डॉट इन वहां पर आपको ओनली फॉरेक्स का भी एक लेक्चर मिल जाएगा आप सर्च कर सकते हो या फिर मैं नीचे आपको कमेंट्स uh, बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा डेफिनेटली यू कैन बाय दैट गेट अ गुड ग्रिप ऑन द फॉर एक्स एज वेल मेरे फॉरेक्स के लेक्चर्स है वो देख लेना आपको समझ जाएगा क्या लेवल पे अपन वो करते हैं बट फिलहाल आ जाते हैं करेंसी फ्यूचर्स के ऊपर इसका जो मैं नोट्स है वो ऑब्वियसली करवा रहा हूं फ्रॉम माई मैजिक बुक अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैजिक बुक तो होना ही चाहिए यार प्लीज उसको खरीद लो एफ एम का मैजिक बुक ऑल द कॉन्सेप्ट ऑल द फॉर्मुलाइट सो उसमें अब फिलहाल आज करने वाले हैं ये, ये करेंसी फ्यूचर्स का आप notes देखो ना? आपको बुक एंड ध्यान रखना फॉरक्स बराबर करके जाना है एकदम अच्छा ग्रिप होना चाहिए आपका और चीजें लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए तब भी मजा आएगा सो दैट इज वॉट माई इंटेंशन इज एंड आई होप डू इट इन अ प्रॉपर मैनर तो चलो जिन लोगों को भी अब करेंसी फ्यूचर्स करना है उन लोगों के लिए ये सेशन है लेट द गेम बिगेन टू लाइक द वीडियो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो और कमेंट करना आपको स्पेसिफिकली कोई और चैप्टर uh, या कॉन्सेप्ट चाहिए तो भी मुझे बताना ना वी आर कमिंग टू करेंसी फ्यूचर्स देखो करेंसी इज अ पार्ट ऑफ फॉरिक्स फ्यूचर्स इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव तो एक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर हेजिंग फॉरेक्स रिस्क उसी का पार्ट है ये करते कैसे दूर करना है अब मैं फटाफट आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझा दूंगा फिर आप आईसीआई के कोई भी मटीरियल पे इसको अप्लाई करना यू विल बी एबल टू सॉल्व इट सबसे पहले सर ये नोट टेलीग्राम चैनल पे इमीजिएटली ज्वाइन हो जाओ प्लस वहां पर एमसीक्यूज का भी आप लोगों का रेगुलरली अपडेट आते रहता है सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग यूज एज अ हेज टू अगेंस्ट द करेंसी मूवमेंट तो जो भी आपके करेंसी मूवमेंट्स है उसको ही तो हेज करने के लिए मैं डेरिवेटिव का सहारा ले रहा हूं और ये कौन सा डेरिवेटिव का सहारा ले रहा हूं मैं फ्यूचर्स का राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेदर टू बाय और शॉर्ट वेदर टू लॉन्ग और शॉर्ट मैं आपको बता दू मेजोरिटी स्टूडेंट करेंसी फ्यूचर इसीलिए ऑप्शन में छोड़ देते हैं क्योंकि वो यही इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि कौन से सिचुएशन में लॉन्ग करना है कौन से सिचुएशन में शॉर्ट करना है आओ आप लोगों के सामने एक ऐसा सिस्टमैटिक स्टेप मैंने प्रेजेंट किया है जिससे कोई भी सम आने दो Institute के मॉड्यूल में तीन स्पेसिफिक सम्स मिलेंगे उनमें अप्लाई करना डेफिनेटली यू विल बी एबल डू चाहिए तो यहाँ पे लिख लो भाई करेंसी रिस्क किसना है भाई देखो सीधी सी बात है फ्यूचर्स क्या है रिस्क हेज करने के लिए तो जिसका रिस्क हेज तो वही करेगा ना तो करेंसी रिस्क किसका है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना होता है तो आपको लिखना चाहिए कभी भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर इनवाइस जो करेंसी में है करेंसी रिस्क ऑपोजिट पार्टी का है आप लोगों को हिंट दे देता हूं कभी भी याद रखना जो भी करेंसी का इनवाइस है लिख लो कहीं पे अगर आपको यह नहीं पता हो तो जो भी करेंसी का इनवॉइस है करेंसी रिस्क ऑपोजिट पार्टी का है समझो रूपीज में इनवॉइस है और आ, सामने दूसरा और एक करेंसी है डॉलर तो अगर रुपीज में इनवॉइस है तो डॉलर वाले का मतलब यूएसए वाले का करेंसी रिस्क है समझो दो करेंसी है यूरो और पाउंड अगर इनवॉइस दिया है पाउंड में तो यूरो वाले का करेंसी रिस्क है तो जिसका भी करेंसी रिस्क है उसको देखो आप. आपने देखा कि ये कौन है वो इंपोर्टर है या वो एक्सपोर्टर है ठीक है ना तो मैंने क्या बोला भी आपको समझो यूरो और पाउंड है और पाउंड में इनवॉइस का वैल्यू दिया हुआ है कि पाउंड टू मिलियन इज टू बी रिसीव तो पाउंड में इनवॉइस का वैल्यू है तो करेंसी रिस्क किसका हुआ ऑपोजिट पार्टी का विच इज यूरो तो अब आप देखो यूरो वाला क्या है यूरो वाला इंपोर्टर है या यूरो वाला है? यूरो वाला वाला एक्सपोर्टर है है यदि इंपोर्टर देन इन दैट केस आपको देखना है एक जनरल चीज भाई वो इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो ये चीज तो आपको देखनी है कि करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन से आ, उसमें है उसके लिए मैं आप लोगों को आईसीआई की बुक का एक एग्जाम्पल देता हूं आप देख तो पहला काम आप लोग ने क्या किया किसका करेंसी रिस्क है वो आइडेंटिफाई कर लिया इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है चलो वो सॉर्टेड है नेक्स्ट अब आपको देखना है कि करेंसी फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सी करेंसी में है मैं बता, तो, मैं बता तो, आप के इंस्टीट्यूट का एक एक्साम्पल है का टेस्ट योर नॉलेज का ये देखो इधर जाओ दो मिनट अगर मैं आपका लूंगा यहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी तो invoice कौन सी करेंसी का है डॉलर का है सुनो ना इनवॉइस कौन सी करेंसी का है डॉलर का है ठीक है अब डॉलर के साथ सामने आपको क्या दिख रहा है पता है क्या ये देखो ना इधर रेट से ही पता चल जाएगा यूएसडी आई एन आर यूएसडी आई एन आर तो यूएसडी आई एन आर मतलब अगर ये इनवॉइस डॉलर का है मतलब करेंसी रिस्क किसका हुआ तो सबसे पहला चीज आप लोग ने निकाल लिया कि करेंसी रिस्क किसका है करेंसी रिस्क है रुपीस वाले का मतलब इंडिया वाले का करेंसी रिस्क है इंडिया वाले का इंडिया वाला ईएफडी इज एन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस ठीक है द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइस इन कस्टमर्स करेंसी मतलब ईएफडी बोल रहा है कि हमने हमारे कस्टमर की करेंसी में निकाला है इट्स डेटर्स 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 आर हमारा है 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 मतलब कब बनता जब आपको पैसा लेना यानी आपने एक्सपोर्ट किया होगा मतलब ई जो इंडिया वाला है जिसका करेंसी रिस्क है वो कौन है वो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्टर है तो आप लोग ने यहाँ पे लिख लिया भाई करेंसी रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर है तो आप लोग यहाँ पे आ गए आपने इसको टिक कर दिया अब आप लोग और नीचे आए करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कौनसी करेंसी में है तो इधर देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है करेंसी फ्यूचर यूएस डॉलर है कौन सी करेंसी में है रूपीज में बराबर है, है। एक्सपोर्टर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट साइज रूपीज में मतलब कहनाई से ये उसकी डोमेस्टिक करेंसी हुई बेटा ये क्या हुआ ये कहनाई से उसके डोमेस्टिक करेंसी हुई इधर आ जाओ एक्सपोर्टर है करेंसी रिस्क किसका एक्सपोर्टर का है अब आपको देखना है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सी करेंसी में है फॉरेन करेंसी एफ या डीसी डोमेस्टिक करेंसी आपने बोला सर डोमेस्टिक करेंसी में तो आपको जवाब मिल गया है आपको क्या करना है लॉन्ग फ्यूचर्स जी हा, हाँ यहां पे उन्होंने लॉन्ग फ्यूचर्स किया है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर यस चलो आपको और एक एग्जांपल देखना है तो अपनी ही बुक में मतलब इंस्टीट्यूट की बुक में और एक भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिख जाएगा ये देखो इधर क्वेश्चन थर्टी फोर है ठीक है ध्यान से सुनना इसमें क्या हो रहा है एबीसी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव सम ऑफ डॉलर फोर हंड्रेड थाउजेंड मतलब इन शॉर्ट इन डॉलर में है इनवॉइस डॉलर में तो करेंसी रिस्क किसका हुआ बेटा करेंसी रिस्क किसका हुआ रुपीज वाले का मतलब इंडिया वाले का क्योंकि यहां पे दूसरा करेंसी रुपीज है तो इंडिया वाले का रिस्क हुआ बराबर है इंडिया वाला क्या कर रहा है इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ सम आप रिसीव कब करते हो जब आपने कोई चीज एक्सपोर्ट किया होगा तो इंडिया वाला क्या है एक्सपोर्टर है इंडिया वाला क्या है एक्सपोर्टर है अब आपको इधर समझ में आ गया कि आप क्या हो आप एक्सपोर्टर हो अब आपको देखना है जो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सी करेंसी का है सुनो ना फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट कौन सी करेंसी का है तो देखो स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ़ फ़्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन मार्केट इज डॉलर वन थाउजेंड तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सी करेंसी का है कैन आई डॉलर का है तो अपन एक्सपोर्टर है बट जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो फॉरेन करेंसी का है डॉलर का है तो आप यहां पर आप बोले डॉलर का है? तो आप क्या करोगे शॉर्ट फ्यूचर इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने शॉर्ट फ्यूचर्स किया है आओ देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का अगर मैं इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखता हूं क्वेश्चन नंबर का इंस्टीट्यूट का अगर मैं सोल्यूशन देखता हूं तो यू विल सी दैट हम लोग ने क्या किया है पता है हम लोग ने पहले शॉर्ट किया है सो कंपनी कैन हेज इट्स पोजिशन बाय सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया सो so, आपके लिए ये एक रामबाण है बस आपको तीर चलाना आना चाहिए क्या पहले आइडेंटिफाई करो करेंसी रिस्क किसका है इंपोर्टर का है कि एक्सपोर्टर का है समझ में आ गया ओके सो करेंसी रिस्क एक्सपोर्टर का है अब उसको देखो कि करेंसी कौन से कॉन्ट्रैक्ट uh, का है फॉरेन करेंसी जो करेंसी फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सी करेंसी का बेटा फॉरेन करेंसी का है कि डोमेस्टिक करेंसी का अच्छा ये बार फॉरेन करेंसी का है शॉर्ट फ्यूचर्स करो वो वाले सब में वो वाले सब में इसके पहले वाले सब में डोमेस्टिक करेंसी का ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था रूपीज रूपीज तो आपने लॉन्ग फ्यूचर्स किया समझे दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जहां पे पब्लिक अटकता है ये अभी आप लोगों को डी कोड करके दे दिया है ये नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल या फिर मैजिक बुक पर मिल जाएगा मैजिक बुक तो आपके पास होना ही चाहिए एग्जाम डे के क्विक रिवीजन के लिए बनाई बुक उसी के लिए कि बॉस सब चीजें एक साथ एक जगह पे आ जाए और इसी के बेसिस पे मैंने मेरे हर एक चैप्टर के रिविजन लेक्चर भी डाल दिए तो इफ यू डोंट हैव इट यू बेटर हैव इट चलो नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड अभी देखो क्या करना है वो अपने को पता चल गया लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स में वही होता है तो अपने को भी समझ में आ गया कि लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है अब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग या शॉर्ट करूं बोलो बोलो चल चल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग या शॉर्ट करूं उसके लिए आता है मेरा स्टेप टू तो आपको देखना है भाई कितना अमाउंट आपको रिसीव या पे होने वाला है अपॉन वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट तो वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है तो वो भी आप लोगों को देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा आ जाओ ये दो क्वेश्चन को ही मैं एक बार बेस पकड़ लेता हूं और सॉल्व करता हूं तो ये देखो आ जाओ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव था हाँ ये रहा। अब देखो इधर कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है क्या ये इधर कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ से से ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना टू फोर एट वन सिक्स नाइन सेवन फाइव रुपीज का यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट आ गया टू फोर एट वन सिक्स ऐसे ही कुछ नाइन सेवन फाइव ये वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया अब अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड अगर आप लोग नोट करोगे तो ये डॉलर में है ठीक है अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड क्या है डॉलर में है तो ये है समझो डॉलर हंड्रेड लैक्स अब सीधी सी बात है कि एक मेरा डॉलर में है एक मेरा रुपीज में है बहुत ना इंसाफी है तो वो दोनों तो डिवाइड नहीं हो सकता बराबर है तो अब किसको कन्वर्ट करे किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नो no. वेट इसका भी मैं लॉजिक बताता हूं फिर ये सम भी एक ये स्टेप भी आप लोगों के लिए एकदम इजी हो जाएगा अब सुनो ये मेरा रूपीज में है ये है मेरा हंड्रेड लाख डॉलर अब एक डॉलर है एक रुपीज है तो सीधी सी बात है ये दोनों का मेल मिलाप नहीं हो सकता तो आपको दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो डॉलर को रुपीज में या रुपीज को डॉलर में सुनो आपको पता है ना ये जो है ना ये ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज है और ये किसने दिया है ये स्टॉक मार्केट में दिया है तो आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते हो तो इन शॉर्ट बचा क्या आपको जो पैसा मिलने वाला है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में बट क्या बेसिस पे कन्वर्ट करोगे ऑन द फ्यूचर रेट तो अभी यहां पे ये यह जो क्वेश्चन है ये आप लोग का क्वेश्चन है देखो फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट अप्रैल मतलब जैन फेब मार्च तीन महीने का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको रेट देखना है कि बॉस मेरा करेंसी फ्यूचर्स में तीन महीने का रेट कितना है इट इज जीरो पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट वन सिक्स वन वन एट जीरो पॉइंट जीरो हुआ मेरा वन रुपीज इक्वल टू दिसमस डॉलर अगर मैं इधर लिखता हूं हंड्रेड लैक डॉलर तो कितना रुपीज होगा ये मेरा जो रुपीज आएगा That is what I will write here. तो रुपीज में कन्वर्ट क्या में करना है आप ये कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकते ये तो स्टॉक मार्केट डिटरमाइन करता है तो बचा क्या जो ऊपर का चीज है वो अपन कर, कर सकते कन्वर्ट करना है स्पॉट रेट है तीन महीने का बाद रेट है फ्यूचर्स का स्पॉट रेट है या फ्यूचर्स का तीन महीने बाद का तो आपको लेना है फ्यूचर करेंसी ट्रेडिंग ऑन स्पॉट डेट ऑफ रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन मतलब फ्यूचर रेट ऑफ थ्री मंथ्स मतलब फ्यूचर रेट ऑफ थ्री मंथ्स ये आपका कन्वर्जन रेट आ जाएगा तो फ्यूचर रेट ऑफ कन्वर्जन का थ्री मंथ्स का जो रेट है वो उसके बेसिस पे आप अपने रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे अब रुपीज डिवाइड बाय रुपीज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा खत्म स्टेप टू भी आ गया तो आपको पता चल गया लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है आपको पता चल गया कितने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है थर्ड स्टेप है इनिशियल मार्जिन तो आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा दिस इज वेरी सिंपल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपको स्टेप टू से आया मल्टीप्लाई बाय इनिशियल मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वेश्चन में दे देगा वो इनिशियल मार्जिन एक महीने का भी दिया है तीन महीने का भी दिया है अब ये पूरा क्वेश्चन तीन महीने का चल रहा है अप्रैल और जैन तीन महीने का चल रहा है तो भाई एक महीने का क्यों कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है जबरदस्ती तो इन शॉर्ट मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट कितना है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड पर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उससे मेरे को मिल जाएगा मेरा मार्जिन एंड लास्ट स्टेप है इसका कि पे क्या होगा तो ये तीनों चीजें जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसी दिन का मतलब जिस दिन मैंने मेरा ये इनवॉइस का मेरे पास आ जाता है इनवॉइस उसी दिन मैं ये तीनों स्टेप कर दूंगा मेच्योरिटी पे बीच इज अपने एग्जांपल के हिसाब से फर्स्ट अप्रैल को क्या सीन होगा ऑन मेच्योरिटी डेट मेरा जो पैसा है आने वाला है रिसिप्ट पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी उसको उस दिन के स्पॉट रेट पे इमीजिएटली कन्वर्ट कर दूंगा इमिजिएटली सो स्पॉट रेट ऑफ डेट पे कन्वर्ट कर दूंगा सो so, ये देखो ऑन अप्रैल वन स्पॉट रेट ऑफ यूएसडी आई इज जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स वन थ्री सिक्स उससे मैंने फटाफट पहले कन्वर्जन कर दिया तो मेरे पास जो पैसा आया डॉलर में आया उसको मैंने अपने रूपीज में कन्वर्जन कर दिया तो ये एक पैसा मेरे पास रख लिया प्लस फ्यूचर्स अगर आप लोगों को आता होगा डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स नहीं आता है तो मेरे रिवीजन लेक्चर देख लो आता है तो आपको पता है कि यहां पे अपना जो गेन और लॉस डायरेक्टली वही एडजस्ट होता है अब सुनो अपन लोग ने इधर लॉन्ग किया था जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स वन वन एट पे अब ये इसको अपन लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे मतलब शॉर्ट करेंगे 0.016134 पे इन शॉर्ट डिफरेंस जो आया है ना 0.0160 जीरो पॉइंट जीरो 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 वन सिक्स का ये आपका गेन है कैसे गेन क्योंकि शॉर्ट आपने मतलब सेल ज्यादा में किया है और लॉन्ग कम में किया है तो ये आपका गेन आया है यहां पे वो गेन को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज से आपको टोटल गेन मिल जाएगा और लास्ट चीज है इंटरेस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन ये आपको फर्स्ट डे पे जो इनिशियल मार्जिन देना पड़ा इतना आपका पैसा अटक गया तीन महीने के लिए और जो उधर इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट द स्टेप फोर एज वेल आपको पता चल जाएगा ये स्टेप फोर का ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी करके अगर मैं इसको लेता हूं ए इसको लेता हूं बी और इसको लेता हूं सी तो ए प्लस बी माइनस सी करके मुझे पता चल जाएगा मुझे ये हेजिंग करके टोटल नेट कितना पैसा मिला एंड इसी के साथ मेरा करेंसी फ्यूचर्स कंप्लीट होता है अब आप इसको अप्लाई कर लो ऑलमोस्ट तो मैंने चीजें कनेक्ट तो कर दी है बस अब आपको स्टेप्स एक बार सॉल्व करना है एंड देन पिकअप एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंसी फ्यूचर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्या बोलता है पब्लिक कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड आठ दस मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मेरे लिए हो गया है ये श्योर sure शॉट मेरे लिए हो गया है ये श्योर शॉट ए समझ गुड एवरीबॉडी तो प्लीज कनेक्टेड रहना सब्सक्राइब रहना नोटिफाई कर लेना सो so देट और मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लाता रहूं तो आपको पता चलता रहे और कमेंट में बता दो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते पढ़ते अटक रहे हो कमेंट पे डाल दो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा टाइम फॉर वीडियो से शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एंड डेफिनेटली इंश्योर के मैजिक बुक आपके एग्जाम के दिन पे आपके पास होना ही चाहिए जी हां कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच